सलाम एवरीवन। मैंने अपने अंदर के इंसान को वक्तन फ़वक्तन ऑब्ज़र्व किया और मुझे नज़र आया कि मेरे अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिनको अगर मैं यूटिलाइज़ करूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। आई फाउंड माई सेल्फ अ बिग मोटिवेशनल ह्यूमन, सो आई नेम्ड माई सेल्फ मोटिवेशनल सिद्रा। आज मैं आप लोगों से एक लतीफ़ा शेयर करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको लतीफ़े तक ही रहने दीजिएगा। उसके अंदर वो जैसे हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं ना कि ये आप मजाक उड़ा रहे हैं या इस चीज़ का, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरा। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस अ रियलिटी इन फ्रंट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। एक फरिश्ता एक नेक इंसान को जन्नत और दोजख का विज़िट करवा रहा था। जन्नत का विज़िट करने के बाद नेक इंसान बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहे थे और अल्लाह ताला की हमद व सना बयान कर रहे थे। जब दोजख वाली साइड पर गए तो मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ दोजखें उबल रही थी। तमाम दोजखों की जो बॉर्डर लाइन्स हैं उन पर फरिश्ते मामूर थे जो कि बाहर निकलने वाले, जिनके हाथों में बहुत बड़े बड़े डंडे मौजूद थे। वो इसलिए कि जो दोजखी थे, जो गुनाहगार थे, वो अपने लथार्जिक हैंड्स के साथ कोशिश करते 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 दोजख के बॉर्डर लाइन तक पहुँचते थे, तो फिर वो जो फरिश्ते थे वो उनको यूँ डंडा मारकर अंदर दोबारा गिरा देते थे। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की दो दोजखें जो थी उनके ऊपर कोई भी फरिश्ता मामूर नहीं था। तो नेक इंसान बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कि ये इतनी ईमानदार दोजख है, इतने सारे अच्छे गुनाहगार हैं इसमें, कि इधर कोई फरिश्ते की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही नहीं कोशिश करते, या क्या चक्कर है? फरिश्ते ने कहा, नहीं नहीं, ये तो बड़ी मेहनती कौमें हैं, ये बड़ी मेहनत करते हैं, ये जैसे ही किनारे तक आते हैं ना पीछे से इन्हें पीछे वाला नीचे वाला खींच लेता है। यानी ये वो कौमें हैं जो किसी को भी फ्लरिश करता हुआ नहीं देख सकते, सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देख सकते। Try to understand and try to recognize those people who are around you and who are just trying to pull you from the back. आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। Thank you so much. Allah Hafiz.